हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि बीटा टेस्टर क्या है, आप किसी भी ऐप के बीटा टेस्टर कैसे बन सकते हैं और बीटा टेस्टर बनकर आप कैसे किसी भी ऐप को पब्लिकली रिलीज होने से पहले सबसे पहले कैसे उपयोग कर सकते हैं, और अंत में बताऊंगा कि आपको बीटा टेस्टर बनकर क्या लाभ होने वाले हैं और बीटा टेस्टर बनने के बाद आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर लें और बेल के आइकन में क्लिक करके सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल में क्लिक करके सेव करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कई ऐप डेवलपर्स और ऐप डेवलपमेंट कंपनियां अपने ऐप्स को मार्केट में रिलीज करने से पहले या फिर अपने ऐप्स में नए फीचर्स को ऐड करने से पहले उसे बीटा प्रोग्राम में मार्केट में लॉन्च करती हैं, और आप उस ऐप के बीटा टेस्टर बनकर आप भी उस ऐप को या फिर उस फीचर को पब्लिकली रिलीज होने से पहले ही उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अपने कई दोस्तों से यह सुना होगा कि व्हाट्सएप ने आज ये फीचर लॉन्च किया, फेसबुक ने आज ये नया फीचर लॉन्च किया, और आप जब उस फीचर को यूज करना चाहते होंगे तो आपको वह फीचर नहीं मिल पाता होगा उस समय में। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि आपके वो दोस्त बीटा टेस्टर उस ऐप के बन चुके हैं और आप उस ऐप के बीटा टेस्टर नहीं हैं, जिसके कारण आपको पब्लिकली रिलीज होने से पहले उस फीचर को या उस ऐप को यूज करने के लिए नहीं मिलता है। आप भी किसी भी ऐप के बड़ी ही आसानी से बीटा टेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको मोबाइल में ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किसी भी ऐप का बीटा टेस्टर आप कैसे बन सकते हैं। बीटा टेस्टर बनने के लिए सिंपली आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलग अलग चार्ट दिए हुए हैं, टॉप चार्ट्स, गेम्स, इसको स्क्रॉल करें, इसको स्क्रॉल करें और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अर्ली एसेस का। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली अर्ली एसेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे जो कि बीटा प्रोग्राम में अभी अवेलेबल हैं और इनको आप इंस्टॉल करके उपयोग कर सकते हैं बीटा वर्जन में, जो कि अभी रिलीज नहीं हुए। रिलीज होने से पहले इनको आप उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी खास ऐप के बीटा वर्जन को उपयोग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर में आए और यहाँ पे उस ऐप को सर्च करें। मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का उदाहरण देने वाला हूँ, तो सिंपली मैं व्हाट्सएप को सर्च कर ले रहा हूँ। सर्च करने के बाद उस ऐप को खोलें। खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, उसमें आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है। सिंपली आप नीचे जाते जाएं और जाने के बाद आपको एक इस टाइप का ऑप्शन नज़र आएगा, बिकम अ बीटा टेस्टर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं और आपको उस खास ऐप के बीटा वर्जन को उपयोग करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में दिया हुआ आई एम इन का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली बीटा प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए पूछेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे ज्वाइन में क्लिक कर देना है। और ज्वाइन में क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय लगेगा इसमें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा साइन अप इन प्रोसेस लिख रहा है और आपको कुछ समय में यह अवेलेबल होगा। अगर बीटा वर्जन तो आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो अब देखते हैं मुझे कितने समय में यह प्रोग्राम ऐड करता है। आपको यहाँ पे साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं देखने के लिए सिंपली आप ऊपर में जाएं और यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं बीटा साइन अप इज प्रोसेस इट टेक्स अ फ्यू मिनट, यहाँ पे लिख रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बदल जाएगा और वहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा कि आप इस व्हाट्सएप के बीटा टेस्टर बन चुके हैं और आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यह लिख के आने लगेगा। दोस्तों, लगभग 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं मुझे बीटा टेस्टर बना दिया गया है व्हाट्सएप का, और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था कि आप साइन अप प्रोसेस में हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लिखा हुआ आ रहा है अभी कि यू आर अ बीटा टेस्टर ऑफ दिस ऐप ऑसम, यानी कि मैं अब इस व्हाट्सएप का बीटा टेस्टर बन चुका हूँ और जब भी इस ऐप में कुछ नया अपडेट आएगा
तो मुझे ये सबसे पहले यूज करने के लिए मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जो WhatsApp Messenger लिखा हुआ आता था वो अभी मुझे अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, उसमें WhatsApp Messenger बीटा वर्जन का जो अपडेट है वो मुझे यहाँ पे मिल पा रहा है। तो आप भी इस तरह से बड़ी आसानी से किसी भी ऐप के बीटा प्रोग्राम में साइन अप कर सकते हैं और ऐप के बीटा वर्जन को उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप किसी ऐप का बीटा टेस्टर को छोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपली आप उस ऐप को खोलें और उसमें जहां पे आपने बीटा टेस्टिंग के लिए साइन अप किया था वहां पे जाएं नीचे में, और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे लीव का ऑप्शन दे रहा है, जहां पे पहले ऑप्शन दे रहा है आई एम इन का ऑप्शन दे रहा था जहां से हमने साइन इन किया था बीटा टेस्टिंग के लिए, वहां पे आप देख सकते हैं अभी लीव का ऑप्शन दे रहा है। आप यहां पे सिंपली लीव में क्लिक करके बीटा टेस्टिंग को छोड़ सकते हैं और उसके बाद आपको यह ऐप बीटा वर्जन के जो अपडेट्स हैं वो देना बंद कर देगा। लेकिन बहुत सारी ऐप्स कंपनियां बीटा टेस्टिंग के लिए एक लिमिटेड यूजर्स की संख्या होती है जिसको वो बीटा वर्जन अपडेट देती है। अगर आपने यह बीटा टेस्टर छोड़ दिया और फिर से आप अगर बीटा टेस्टर बनना चाहेंगे और अगर उस ऐप कंपनी के पास उतने यूजर्स अलाउ नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि कोई फिर उस बीटा वर्जन को बीटा टेस्टिंग को ना छोड़े। तो आप किसी भी ऐप के बीटा टेस्टिंग को छोड़ने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ कि आप कैसे यह जानेंगे कि आप कितने सारे ऐप्स के बीटा टेस्टर हैं और उनको कैसे देख पाएंगे। सिंपली आप प्ले स्टोर में होम पेज में आएं, यहाँ आने के बाद लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको तीन बार्स दिख रहे होंगे, उसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सेकेंड में देख सकते हैं माय ऐप्स एंड गेम्स, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पहले हमारे पास केवल इंस्टॉल्ड और ऑल का ऑप्शन आता था, अभी यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन बीटा का ऑप्शन दे दिया जाएगा जब भी आप किसी ऐप के बीटा टेस्टर बन जाएं। तो आप सिंपली बीटा में क्लिक करके यहाँ पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं कि कितने सारे ऐप्स के आप बीटा टेस्टर हैं, और आप सिंपली यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि क्या उस ऐप के बीटा वर्जन में कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है। दोस्तों अब बात करते हैं बीटा टेस्टर बनने के लाभ और हानि की। तो बीटा टेस्टर बनने के सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब भी ये कंपनियां जिस ऐप का आप बीटा टेस्टर हैं वो कुछ नया फीचर्स अपने ऐप में लाएंगी तो सबसे पहले अपडेट आपको आ जाएगा, वो आप अन्य लोगों जो बीटा टेस्टर नहीं है उनसे पहले आप उसे उस फीचर को उपयोग कर पाएंगे। और अगर हानि की बात करें तो सबसे बड़ी हानि यह है कि वो जो नए फीचर्स आते हैं बीटा वर्जन में वो अनस्टेबल होते हैं, वो टेस्टिंग के प्रोसेस में होते हैं, तो हो सकता है आपके मोबाइल में कुछ हैंगिंग का प्रॉब्लम आने लगे या वो ऐप आप अच्छी तरह से उपयोग ना कर पाओ, आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाए। तो आप इससे बाहर निकलने के लिए सिंपली बीटा टेस्टिंग को लीव कर सकते हैं और आप उस ऐप के बीटा टेस्टर को छोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हर एक जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में किसी तरह का सुझाव या सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स लिखें, हम आपके कमेंट्स रोज पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड ट्यूटोरियल्स लेके हम आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।